हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप टीचिंग लाइन से हैं या देश के किसी भी कोने से टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई बड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो आज ही आपका अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस मॉर्निंग न्यूज में मैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट खबरें लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले संडे को हमारी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग ने हमने मतलब मुद्दा उठाया था कि जो न्यू टीचिंग पोस्ट है, आयु सीमा में बदलाव है, इस तरह के काफी मुद्दे हमने उठाए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि उससे पहले भी मैंने अशोक अग्रवाल सर से बात करी थी इसके रिगार्डिंग और हमने फिर मीटिंग करी थी और सीएम केजरीवाल जी को भी हमने लेटर भेजा था। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो कल मैंने अशोक अग्रवाल सर से बात करी थी इसके रिगार्डिंग कि सर जो 10,500 वैकेंसीज हैं, क्योंकि पहले जो अशोक अग्रवाल सर बात कर रहे थे वो बोल रहे थे कि जो 10,500 से ज्यादा जो वैकेंसीज हैं जुलाई तक आ सकती हैं। उन्होंने पहले भी पेटिशन लगाई थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो आप देख पा रहे हैं जुलाई निकलने वाला है लेकिन फिर भी अभी तक वैकेंसीज नहीं आई है। हालांकि अशोक अग्रवाल सर ने पहले कोशिश करी थी कि जो ये वैकेंसीज हैं और जल्दी आ जाए तो और अच्छा होगा, लेकिन जैसा आपको पता है कि डीएसएसबी का ढुलमुल रवैया, दिल्ली सरकार का ढुलमुल रवैया, हालांकि जो अशोक अग्रवाल सर है काफी समय से मतलब इन चीजों से लड़ते आ रहे हैं और गरीबों को न्याय दिलाते आ रहे हैं। जैसे दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, उनकी कंडीशन कितने गंदे लेवल पे है, तो ये अशोक अग्रवाल सर जी काफी टाइम से ऐसे गरीबों को न्याय दिला रहे हैं। तो कल मैंने इनसे बात करी थी, सर से बात करी थी कि सर जो 10,500 वैकेंसीज हैं क्या ये आ सकती हैं, क्या मतलब इनमें और समय लग सकता है। तो इसके बाद जो सर ने जवाब दिया था वो बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सर ने कहा है कि जो 10,500 वैकेंसीज हैं इनके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीक हाई कोर्ट में पेटिशन लगाई जाएगी और उस पेटिशन से क्या जवाब आता है वो देखेंगे अब, क्योंकि आपको पता है बहुत जाने माने ये वकील हैं, एडवोकेट हैं और इसके बाद सोशल ज्यूरिस्ट भी हैं और मतलब ऑल इंडिया पेरेंट्स फाउंडेशन कुछ ऐसे इनके फाउंडेशन भी है, उसके उसमें भी ये मतलब एक अहम रोल अदा करते हैं। तो इसके बाद जो कल मतलब अपडेट मिली उससे रियली दिल खुश हो गया। तो अभी मुझे लगा कि मैं आप लोगों तक ये बात बताऊं, क्योंकि ये छोटी छोटी हमारी मतलब मैं नहीं कह रहा कि अभी बहुत बड़ी चीज है हुई अभी, लेकिन ये छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी चीजें होती हैं और इस सब के लिए जो ये सब चीजें हो रही हैं इन सब के लिए मैं अशोक अग्रवाल सर को दिल से धन्यवाद करता हूं अपने सभी साथियों की तरफ से। क्योंकि सर अगर आप प्रयास करते हैं और ये प्रयास सफल होता है, क्योंकि हमें पता है जो सर प्रयास करते हैं उसके सफल होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर प्रयास सफल होता है, अगर वैकेंसीज आती हैं तो सर को दिल से धन्यवाद। हालांकि सर काफी समय से इसमें प्रयास कर रहे हैं, तो यही है, अब नेक्स्ट वीक हाई कोर्ट में पेटिशन लगाई जाएगी और ये एक अच्छी खबर है। जो हमारे एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर है उनसे मेरी बात हुई है पर्सनली और अब वो सर हाई कोर्ट में पेटिशन लगाने वाले हैं नेक्स्ट वीक। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आप लोगों के लिए कितनी अच्छी न्यूज जल्द से जल्द आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।